नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों का पटाक्षेप होने के बाद राम मंदिर के मुखिया पुरोहित आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अच्छा हुआ योगी यहां से चुनाव नहीं लड़े, वरना उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता। दास ने दावा किया कि उन्होंने योगी को सलाह दी थी कि वह अयोध्या के बजाय गोरखपुर से चुनाव लड़े। पिछले 30 वर्षों से राम मंदिर के मुख्य पुरोहित का दायित्व निभा रहे दास ने सोमवार को समाचार एजेंसी PTI भाषा से बातचीत में कहा, यह अच्छा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि बाद में ये पहले ये तय हुआ था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब अयोध्या के बजाय गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर पता चले कि जो वहाँ के राम मंदिर के जो पंडित जी हैं, उन्होंने सुझाव दिया था कि बेहतर होगा कि वह अयोध्या के बजाय गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़े। उसके बाद दास ने कहा कि वह महसूस करते हैं कि भाजपा राम मंदिर को कभी अपने एजेंडे से बाहर नहीं निकालेगी। 84 वर्षीय पुजारी ने कहा कि यहाँ अयोध्या के संतों की राय विभाजित है और जिनके घर और दुकानें ध्वस्त की गई वे उनके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सब कह रहे हैं कि वह उनका काम है, यह विरोध है। इस सवाल पर कि उन्होंने योगी को अयोध्या से चुनाव ना लड़ने की सलाह दी थी कि दास ने कहा, हम तो रामलला से पूछ कर बोलते हैं, हम रामलला की प्रेरणा से बोले हैं। यहाँ के साधु एक मत नहीं, विकास परियोजनाओं के लिए जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं वे सब योगी के खिलाफ हैं। इसके अलावा जिन लोगों की दुकानें तोड़ी जानी हैं वह सब भी योगी से नाराज हैं। उन्होंने कहा, सभी कह रहे हैं कि यह योगी का काम है। इतना विरोध देखने के बाद मैंने योगी जी से कहा कि बेहतर होगा कि वह गोरखपुर से चुनाव लड़े। वैसे योगी यहां से भी चुनाव जीत जाते, लेकिन उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा, वो यहां से जीत जाते लेकिन मुश्किलों का सामना कर सकते थे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।